वेलकम टू अभिनय इन्फोटेक। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज सी सीखने की सीरीज में हम सीखेंगे कि सी में इनपुट कैसे दी जाती है, यानी कि हम वेरिएबल्स के लिए इनपुट कैसे देते हैं। लास्ट लेक्चर में सी के हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और मैंने उसमें बताया था कि वेरिएबल्स एक स्टोरेज स्पेस है। अब अगर उस स्टोरेज स्पेस में मुझे कोई डाटा सेव करना है तो उसके लिए हमें कुछ इनपुट फंक्शंस चाहिए होते हैं। जी, आज हम उसी इनपुट फंक्शन की बात करने वाले हैं। सबसे कॉमन स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन की आज हम बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जो नीडफुल है, दैट इज़ आपकी हेडर फाइल्स का होना। एडवांस कंपाइलर्स में विदाउट हेडर फाइल भी चल जाता है, बट जो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है उसी को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको ये हेल्प देगा जब आप सी शार्प या VB.NET इस तरह की लैंग्वेजेस के साथ डील करेंगे जहाँ पे हेडर फाइल्स या एक्सटर्नल फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं। अब हमें सबसे पहले ये सीखना था कि वेरिएबल क्या होता है, जो कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि उस मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि सभी वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको वेरिएबल की नॉलेज नहीं है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें कि वेरिएबल का साइज़ क्या होता है, कितना बड़ा नंबर सेव हो सकता है, और उसके बाद इस सीरीज़ में ज़रूर देखें कि उसमें वेरिएबल में वैल्यू कैसे डाली जाती है। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का, तो हम एक लाइन में ही डिक्लेयर कर देंगे इंट ए। लेट अस सपोज मुझे एक और वेरिएबल बी चाहिए इंटीजर टाइप का ही, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ इंट बी। नहीं तो अगर आपके पास दोनों ही वेरिएबल एक ही टाइप के हैं तो आप कॉमास करके भी एक ही स्टेटमेंट के अंदर सभी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे और वेरिएबल चाहिए, मैं सी डी ई एफ ऐसे जितने मर्जी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन सबकी डाटा टाइप कैसी हो जाएगी? इंटीजर। यहाँ पे इंट वाइट कलर का इसलिए है क्योंकि ये कीवर्ड है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझाया है। अब हमें इस वेरिएबल के लिए वैल्यू डिमांड करनी है, तो क्लियर स्क्रीन हम लगाते हैं, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है, ताकि हम प्रीवियस आउटपुट्स क्लियर कर सकें। पहले हम प्रोग्राम सेव करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, और मैंने अपना प्रोग्राम अभी सेव किया इनपुट इन सी डॉट सी। सी लगाना जरूरी है बिकॉज आप सी में काम कर रहे हैं। तो अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है, स्कैन फंक्शन। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वो अब हम सबसे पहले समझते हैं। वैसे मैंने आपको बताया है कि हेडर फाइल्स के अंदर आपको इनका सिंटेक्स नज़र आ जाता है। स्कैनफ का अगर आप वहाँ पे सिंटेक्स देखेंगे तो वहाँ आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा, इंट सी डिक्लेरेशन स्कैनफ इस तरह आपको नज़र आएगा, और वहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मांगे गए होंगे, ठीक है, और उसके बाद कॉमा करके आप यहाँ पे वेरिएबल लिस्ट, यानी कि यहाँ पे लिस्ट डाल सकते हैं जिन वेरिएबल्स के लिए आप इनपुट मांग रहे हैं। रिटर्न क्या करता है इंटीजर, खैर इसके बाद में आएंगे। सबसे पहले लिखा जाता है स्कैनफ, किस वेरिएबल के लिए इनपुट मांग रहा हूँ, दैट इज़ इंटीजर। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज डी होता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर ए के लिए मैं वैल्यू मांग रहा हूँ तो एक इंटीजर है, तो एक बार मैंने परसेंटेज डी लगाया, यहाँ पे मेरे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बंद हो जाएंगे, कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल का एड्रेस बताऊँगा, यानी कि मुझे ए के डब्बे में ये वैल्यू डालनी है, तो ए के एड्रेस पे, यानी कि ए के एड्रेस पे। ए बेसिकली नाम है, लेकिन कंप्यूटर नेम नहीं समझता। अगर मैं सिंपल ए कहूँगा तो वो नहीं समझेगा, लेकिन मुझे हमने नाम किसका रखा है, एक मेमोरी का नाम रखा है। ये लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया हुआ, एक मेमोरी का नेम क्या रखा है ए। मैं अभी आपको दिखाऊँगा अभी वो मेमोरी का एड्रेस, वो मेमोरी में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू है क्या। तो हमने यहाँ पर क्या डिमांड किया, हमेशा राइट से सी चलती है, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने एड्रेस ऑफ ए रीड किया, वट एवर इज़ एड्रेस ऑफ ए, लेट अस सपोज वो है 65535, ठीक है, लेट अस सपोज ये उसका पता है, और इसके ऊपर मुझे क्या डालनी है, एक इंटीजर वैल्यू। अब ये इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30। अब ये डालने का क्या फ़ायदा हुआ परसेंटेज डी, कि अगर कोई 30.5 डालेगा तो उसके पास सिर्फ वैल्यू कितनी पहुंचेगी, 30, बिकॉज ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये उसका फॉर्मेट चेंज कर देगा, 0.5 को ख़त्म कर देगा, बिकॉज इंटीजर में डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है।
अब लेट अस सपोज हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंटिंग का भी काम किया कि प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। लेट अस सपोज हमें वे यूँ प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, जो मैसेज है वो एज इट इज लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू तक, और उसके बाद उसकी वैल्यू नज़र आनी चाहिए, किसकी वैल्यू वो हम कॉमा के बाद बताते हैं, यानी कि परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू आनी चाहिए, ए की, तो नेचुरली हम क्या लगा देंगे, ई। ठीक है, मैं इस ए की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, जो नहीं यहाँ पे ए लिखना जरूरी है, ये तो टेक्स्ट है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ए लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये ए इस परसेंटेज डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेट सी एच, बिकॉज हम प्रोग्राम पोज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि बिना गेट सी एच लगाए भी आपका प्रोग्राम चल सकता है। नाउ लेट्स रन दिस, कंपाइल करेंगे ऑल्ट एफ नाइन, 467 लाइन से 467, तो ये क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हुआ है। लेट इज रन दिस एंड वी कैन चेक द आउटपुट, शायद हमने अभी इनपुट लेनी है, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे, लेट सपोज मैंने क्या डाल दिया 10, तो एंटर प्रेस के तो क्या आ गया, वैल्यू वेरिएबल इज 10। लेट सपोज मैंने वैल्यू डाली पॉइंट में 10.25, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10, बिकॉज पॉइंट वाला पार्ट इंटीजर नहीं लेता। अब यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हुई है, मैंने आपको थंब रूल बताया है सी का, आई थिंक मेरी इस सीरीज़ में सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, तो वो ज़रूर देखें थंब रूल ऑफ सी, ताकि आपको समझ आए कि कन्वर्जन्स कहाँ और किस तरह से टेक प्लेस करती हैं। अब अगर इसमें हम दे देते हैं करेक्टर, तो मैंने कहा था कि अगर हम करेक्टर देंगे, लेट सपोज ए दे दिए, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, मतलब उसकी कोई एस्काई वैल्यू आ जाएगी। अब ए के साथ एक्चुअली में एंटर प्रेस हुआ है, इसलिए उसने उसका एस्काई वैल्यू नहीं लिया है, अदरवाइज उसकी एस्काई वैल्यू वो 97 आपके सामने प्रिंट कर देता। ठीक है, अब जब रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो हमारे पास एक खाली स्क्रीन आ रही है, और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है 10 या 20, लेकिन लेट सपोज मैंने ये अपना सॉफ्टवेयर किसी कस्टमर को बेचा, और कस्टमर के सामने ये ब्लैक स्क्रीन है, तो उसको क्या पता है यहाँ पे क्या करना है, वो कुछ भी दबा सकता, डोंट नो व्हाट टू डू, वो एंटर एंटर भी अकेला प्रेस कर सकता है कि ये क्या हो रहा है, काली स्क्रीन मुझे दे दी है, और जब तक एंटर प्रेस करता रहेगा कुछ नहीं होगा, जब वैल्यू डालेगा तभी कुछ होगा। तो हमें उसको स्क्रीन पे एक मैसेज देना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, तो इसीलिए हम स्कैनर से पहले प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे एक मैसेज देने के लिए, है ना, प्लीज़ एंटर ए वैल्यू इज इक्वल टू, ताकि इज इक्वल टू उसको स्पेस ना देना पड़े, थोड़ा प्रॉपर जेस्चर्स में आता है, लेट अस रन दिस, तो वहाँ पे आ गया प्लीज एंटर वैल्यू, वो वैल्यू डालेंगे एंड वैल्यू वेरिएबल इज इक्वल टू 10। तो आपको यहाँ तक तो समझ आया कि हमने ये वैल्यूज डाली। अब इसके बाद हमारे पास, मैंने कहा था कि हमारे जो ए है उसका अपना एक एड्रेस होता है, ये ए की वैल्यू है, लेट अस सपोज मुझे इसका एड्रेस भी प्रिंट करना है, तो एड्रेस प्रिंट करने के हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, नाउ सेम लाइन मुझे लिखनी है एड्रेस ऑफ ए। अब ए का एड्रेस जो होने वाला है, अब सबसे पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं, इंटीजर का साइज़ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कितना होता है, 2 bytes, यानी कि टोटल कितने बिट्स हुए, 16 bits, और बिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 and 1, तो यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन टोटल कितने नंबर तक आ सकता है, 2^16 तक, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कितना, 32767। तो अगर मैं ए की वैल्यू इस नंबर से बड़ी डालूँ तो मेरे आउटपुट में क्या होगा, लेट्स चेक दिस, अगर मैं 65535 इंटीजर में डालूं तो आउटपुट में क्या दिख रहा है, -1, बिकॉज इसको हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। नेचुरली एक बीकर है जिसकी कैपेसिटी 1 ml की है, अगर उसमें 100 ml पानी डालोगे तो 99 ml जो होगा वो वेस्ट चला जाएगा, और उसी को ओवरफ्लो कहा जाता है, यानी कि वैल्यू इस रेंज से बाहर है। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसी रेंज के अंदर, यानी कि 65535। अब जब इंटीजर होता है तो वो एक पॉजिटिव नंबर्स भी लेता है और नेगेटिव नंबर्स भी लेता है, दोनों को प्लस कर दे तो हमारे पास टोटल नंबर बनता है 65535। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये नेगेटिव नंबर साइड कंसीडर ना करें इंटीजर, तो इसकी रेंज बढ़ सकती है, तो उस तरह के इंटीजर्स को हम कहते हैं अनसाइंड इंटीजर्स। तो हम क्या लिख देंगे, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट का मतलब इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 65535। तो यानी कि अगर मुझे इसमें वैल्यू प्रिंट करनी है, एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे अनसाइंड इंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ चलते हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज, अनसाइंड है तो यू लगाएंगे, ठीक है, नेम से ही सारा कंसीडर होता है, डबल कोट्स क्लोज, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, एड्रेस ऑफ ए। अब मैं ए नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ
ए प्रिंट करो। थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। सो लेट्स रन दिस, कोई इनपुट देनी पड़ेगी, इनपुट देते हैं। सो व्हाट इज़ द एड्रेस? 65524। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बी वेरिएबल है तो उसका भी अपना एक एड्रेस होगा, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम उसको चेक करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, यू नो, इसको कॉपी कर सकते हो आप, किसे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल इंसर्ट से और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ बी, यानी कि बी का एड्रेस कितना होगा, तो लेट अस चेक बी, बी इज एड्रेस, तो लेट अस पुट सम वैल्यू। सो व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ बी? दैट इज 65522। एंड व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ ए? 65524। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट्स लेता है? 2 बाइट्स कंज्यूम करता है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि हम वैल्यू और एड्रेस, ये इनपुट्स कैसे देते हैं, स्कैनर फंक्शन क्या काम करता है, अनसाइंड इंट क्यों लिखा जाता है या अनसाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्यों लगाए जाते हैं। अगली सीरीज, अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा इसी के साथ मिलता जुलता होगा, जिसमें हम और टाइप क्वालिफायर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लॉजिक्स के साथ बात करेंगे। तो जुड़े रहें अभिनय इन्फोटेक के साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत